हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सोडा पावर पे। तो इस एपिसोड के अंदर हम लोग देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग डेट टाइम कैसे गेट करेंगे, कैसे आपको डिस्प्ले करना है, कैसे आपको ईयर मंथ और सब आपको कैसे गेट करना है, डेट जो फंक्शन है और उसके बाद जो डेट ऑब्जेक्ट है उसके बीच में क्या डिफरेंस है, तो वो सब हम लोग इस एपिसोड के अंदर देखने वाले। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको मेरा जो सुडो PWR करके जो अकाउंट है गिटहब पे उसको ओपन कर लेना है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट कोर्स करके जो रिपो है उसको ओपन करना है। उसके बाद डेट फोल्डर के अंदर जाना है, उसके अंदर आपको एक फाइल मिल जाएगी readme.md, उसको ओपन कर लो। और इसके अंदर जो डेट के फंक्शन है वो मैंने ऑलरेडी लिस्ट आउट कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसकी अभी हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिकल, और ये जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो और ये पूरी फाइल आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड अभी आ जाओ वी एस कोड के अंदर, और वो सेम readme.md फाइल मैंने वी एस कोड के अंदर ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले हम लोग जो डेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसके हम लोग अलग अलग मेथड देखते हैं और कौन सी मेथड बेस्ट है वो हम लोग अभी देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो मेथड है वो आप बोल सकते हो कि डेट फंक्शन। तो सबसे पहले तो हम लोग नोड CLI ओपन करते हैं, इसके अंदर डेट और फंक्शन ब्रैकेट आप लिखोगे तो अभी की जो डेट है 3rd month March यहाँ पे चल रहा है, उसके बाद फर्स्ट डेट और 2022 और अभी रात के 10:58 यहाँ पे हो रहा है। तो इन शॉर्ट ये फंक्शन आपको क्या रिटर्न करता है, तो आपका जो भी करंट डेट टाइम होगा वो आपको कुछ इस तरीके से रिटर्न कर देगा। और अभी फ़िलहाल इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यहाँ पे रिटर्न कर रहा है, क्योंकि अभी जो मैं नोड जो रन कर रहा हूँ वो अभी मैं इंडिया में हूँ और इंडिया के टाइम से वो रन हो रहा है, तो इसलिए आपको यहाँ पे इंडिया का टाइम मिल रहा है। तो अभी ये जो फंक्शन है, समझ लो अगर आप US में हो और उसके अंदर आपने US का टाइम आपके कंप्यूटर के अंदर सेट किया है तो आपको यहाँ पे सिंपल मिलेगा US का टाइम। तो ये वाली जो टेक्निक है वो एक्चुअली हम लोग कभी भी यूज़ नहीं करते, क्योंकि अभी हम लोग जो अभी जावास्क्रिप्ट देख रहे हैं वो हम लोग Node.js के अंदर भी रन कर सकते हैं और ब्राउज़र के अंदर भी रन कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो खास करके ये जो डेट फंक्शन है वो कई ब्राउज़र में सपोर्ट नहीं करता है, इसीलिए आपको ये वाली टेक्निक कभी भी यूज़ नहीं करना है। तो जो नेक्स्ट टेक्निक है जिसके अंदर आप देख सकते हो डेट जो क्लास है उसका हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, और न्यू का यूज़ करके हम लोग उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग किसी वेरिएबल के अंदर न्यू करके जो डेट ऑब्जेक्ट है वो हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो करंट डेट जो वेरिएबल है उसके अंदर कुछ इस तरीके से वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि 2022 थर्ड मंथ और फर्स्ट डेट, तो मतलब डेट हमारी सही प्रिंट हो रहा है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हो टी के बाद जो टी का मीनिंग होता है टाइम, मतलब इसके बाद वाला जो स्ट्रिंग है वो है आपका टाइम। तो टाइम आप देख सकते हो कि यहाँ पे 17:29 हो रहा है, लेकिन अभी तो यहाँ पे हमारे 22 बज रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो टाइम के जो मतलब टाइम के बीच इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों यहाँ पे आ रहा है, तो फ्रेंड मैं आपको बता दूँ, तो ये जो टाइम है ये टाइम है आपका UTC टाइम, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिखा है रिटर्न्स डिफॉल्ट UTC टाइम, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एक स्टैंडर्ड है जो जनरली कंप्यूटर समझता है, मतलब कंप्यूटर के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर है जो डेट टाइम के साथ अगर आपको खेलना होगा तो वो हमेशा UTC टाइम जनरली रिटर्न करता है। तो ये जो टाइम आपको दिख रहा है 17:29 जो मिनट है ये एक्चुअली है UTC 00 टाइम, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा जो टाइम होता है वो क्या होता है, तो UTC+5:30 टाइम हमारा होता है, मतलब इसके अंदर अगर आप 5:30 ऐड कर दोगे तो आपको मिलेगा 22:58, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा जो शेड्यूल है वो एक्चुअली +5 घंटा, मतलब हम लोग 5 घंटा आगे चल रहे जो UTC 00 टाइम है उसके कंपेयर में। तो फ्रेंड अभी आ जाओ ब्राउज़र के अंदर, तो सबसे पहले हम लोग UTC का फुल फॉर्म देख लेते हैं। उसका फुल फॉर्म एक्चुअली है कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। तो मतलब यहाँ पे जो हमारा जो UTC टाइम होता है इंडिया का वो होता है +5:30, ठीक है फ्रेंड्स। तो UTC 00 टाइम कहाँ पे होता है, तो एक्चुअली मैं उसको आपको
वर्ल्ड मैप का यूज़ करके मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं एक फ़ोटो चूज़ कर लेता हूँ, तो फ्रेंड मैंने इंटरनेट से एक इमेज डाउनलोड किया है, तो ये आप देख सकते हो कि वर्ल्ड का मैप है। यहाँ पे है कनाडा, यहाँ पे है यूनाइटेड स्टेट, यहाँ पे है हमारा इंडिया, यहाँ पे चाइना, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने जैसे बोला कि यूटीसी जो टाइम होता है वो स्टार्ट होता है 0 से और हम लोग +5 टाइम में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। तो एक्चुअली इमेज तो HD में नहीं है, तो मैं आपको एक्चुअली जूम करके यहाँ पे दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आइसलैंड, और यहाँ पे नीचे है +0, मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है टाइम। मतलब आप देख सकते हो कि ये जो लाइन है वो एग्जैक्टली हमारा जो वर्ल्ड है उसके बीच में है लाइन। तो यहाँ पे इस लाइन के अंदर जितने भी मतलब जो भी कंट्री आती है वहाँ पे अप्लाई होता है UTC 00 टाइम। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वेस्टर्न सहारा लिखा है, तो उसके अंदर यहाँ पे कोई कंट्री है वहाँ पे भी +0 है। मतलब ये जितनी भी कंट्री है वहाँ पे अप्लाई होता है UTC 0। तो ये जो लाइन है इसके राइट साइड के जितनी भी कंट्री होती है वो प्लस के अंदर आती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो अल्जेरिया है उसका यहाँ पे +1 हो गया है, उसके बाद जो इजिप्ट है उसका +2 यहाँ पे हो गया है, और जैसे जैसे हम लोग अंदर जाएंगे तो यहाँ पे सऊदी अरेबी का +3 हो गया, और जो हमारा इंडिया का है यहाँ पे एक्चुअली 5.5 लिखा है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो वो 5.30 एक्चुअली कैलकुलेट करता है। उसके बाद जो चाइना है उसका +8 हो गया, और उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया है उसका +8, और जो बीच ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पे आप देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही तीन तीन अलग अलग जोन यहाँ पे आ गए। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ तो ये जो लाइन है उसकी जो लेफ्ट साइड वाले जो कंट्री है जैसे यूनाइटेड स्टेट हुआ वहाँ पे फिर वो माइनस में चला जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कोई कंट्री है, यहाँ पे -1 है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो आइसलैंड है -4 में, यहाँ पे ईस्टर्न आइसलैंड है वो है शायद यहाँ पे -6 है, और अगर हम लोग उसको ऊपर लेके जाए तो आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हो यहाँ पे है यूनाइटेड स्टेट, इसके अंदर भी अलग अलग जोन है। तो यहाँ पे है -5 -6, मतलब जितना हम लोग इस साइड अंदर चले जाएंगे लेफ्ट साइड जितना अंदर जाएंगे उतना वो माइनस में चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो US में आप देख सकते हो -8 यहाँ पे लास्ट तक है। तो कुछ इस तरीके से UTC टाइम कैलकुलेट होता है। तो ये बीच में जो लाइन है उसके राइट साइड वाले बाकी सारे जो कंट्री है वो धीमे धीमे यहाँ पे एक एक प्लस होता जाता है। तो इंडिया के अंदर है +5.3, आपको 30 भी आप उसको बोल सकते हो, 5.30 हमारे इंडिया के अंदर अप्लाई होता है, और ये जो लाइन है उसके जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे वो माइनस में होता जाता है। तो US में है -5। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए ऐसा बोलते हैं कि मतलब हमारा जो टाइम जोन चलता है वो हम लोग US से 5.5 घंटा आगे है ऐसा बोलते हैं, और जो हमारा जो मतलब जो US है वो 5.5 घंटा पीछे चलता है। मतलब हमारा यहाँ पे दिन होता है तो वहाँ पे रात हो जाती है, वहाँ पे रात होती है तो हमारा दिन हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से ये टाइमिंग चलता रहता है। तो जो आप देख सकते हो यहाँ पे जो डिफॉल्ट टाइम है वो है UTC 00, मतलब जो अभी हम लोगों ने आइसलैंड जो देखा तो ये फिलहाल आइसलैंड का टाइम है आप ऐसा बोल सकते हो। लेकिन अभी ये जो टाइम है ये आप देख सकते हो, मैं करंट डेट को फिर से प्रिंट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है UTC 00 वाला टाइम, लेकिन हम लोग को चाहिए हमारा इंडिया का टाइम। तो यहाँ पे डॉट करके सिंपल लिखो 2 string और हम लोग को मिल जाएगा इंडिया का टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग को कुछ भी यहाँ पे नहीं करना है, तो वो जावास्क्रिप्ट और कंप्यूटर ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन करके हम लोग को हमारा जो टाइम होगा वो सिंपली वो रिटर्न कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से हम लोग को जो हमारा करंट डेट टाइम होगा वो हम लोग को मिल जाता है यूजिंग न्यू डेट। आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, यहाँ पे ये जो वेरिएबल है वो आपका डेट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो उसके साथ आपको यूज़ करना है 2 string मेथड, जो आपको आपका जो भी करंट डेट टाइम होगा वो पूरा कुछ इस तरीके से फॉर्म में बताएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने अभी करंट डेट टाइम यहाँ पे गेट किया, लेकिन अगर हम लोग को हमारा खुद का कस्टम डेट बनाना हो तो हम लोग कैसे बनाएंगे? तो अगर हम लोग को खुद का कस्टम डेट ऑब्जेक्ट बनाना हो तो कुछ इस तरीके से जब हम लोग डेट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग यहाँ पे पास कर सकते हैं ईयर कॉमा करके मंथ, उसके बाद डेट, उसके बाद यहाँ पे आवर और मिनट। ठीक है फ्रेंड्स, तो 5 पैरामीटर आप पास कर सकते हो,
और जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू रिटर्न करता है वो आपको यूटीसी फॉर्म में रिटर्न करेगा, लेकिन उसके बाद आप कुछ इस तरीके से टू स्ट्रिंग मेथड का यूज़ करके उसको आप जो आपका स्टैंडर्ड टाइम होगा जो भी जहाँ पे भी आप इसको रन करोगे वो स्टैंडर्ड टाइम के अंदर रिटर्न कर देगा। तो फिलहाल तो हम लोग इंडिया के अंदर है तो हम लोग को इंडियन टाइम यहाँ पे मिलेगा। तो फ्रेंड अभी हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अभी मैं पास करता हूँ 2000 जो है हमारा ईयर, उसके बाद इसके अंदर 6 मंथ और उसके बाद यहाँ पे 25। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी जो आगे जो डेट टाइम और हवर है तो वो मैं फिलहाल नहीं डाल रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है 24 डेट। तो वो क्यों मिल रहा है, क्योंकि हम लोग एक्चुअली ये जो टाइम रिटर्न करता है वो देख सकते हो आप यहाँ पे, वो रिटर्न करता है UTC 00 टाइम से लेके। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए वो डिफरेंस आपको दिख रहा है। तो इसके अंदर में अगर हावर ऐड कर देता हो तो आपको जो डेट है वो प्रॉपरली यहाँ पे 25 मिल जाएगी। तो अगर हम लोग इसके अंदर 00 रखते हैं तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एटलीस्ट उसके अंदर मतलब वो यूटीसी टाइम के हिसाब से कैलकुलेट करता है। तो उस हिसाब से हम लोग +5 आगे चल रहे तो उस हिसाब से मतलब डेट आगे पीछे थोड़ा हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये डेट का तो ठीक है, वो टाइम के हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट हो रहा है, लेकिन जो मंथ है वो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे 6 पास किया है लेकिन यहाँ पे 7 आ रहा है। तो फ्रेंड जावास्क्रिप्ट के अंदर खास करके जो मंथ है, ठीक है फ्रेंड्स, तो खास करके नहीं एक्चुअली खाली जो मंथ है वो स्टार्ट होता है 0 से, इसलिए इसके अंदर वो एक्स्ट्रा प्लस करके हम लोग को आउटपुट के अंदर मिल रहा है। तो इसको मैं आपको सिंपल एकदम सिंपल में एक एग्जांपल दिखाऊँ। जैसे गेट टाइम मैंने किया तो मुझे यहाँ पे जो हमारा करंट जो भी मंथ अभी चल रहा है थर्ड मंथ, वो यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पे आ रहा है, लेकिन मैं जब इसको गेट मान करके जो फंक्शन है उसका मैं यूज़ करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे यहाँ पे खाली 2 मिल रहा है। तो ये तो आउटपुट गलत हुआ। तो यहाँ पे गलत एक्चुअली कुछ नहीं है, लेकिन जो जावास्क्रिप्ट है उन लोगों ने कुछ ऐसे डिज़ाइन किया, जो मंथ होता है वो उन लोगों ने 0 से स्टार्ट किया है। वो क्यों स्टार्ट किया वो तो मुझे भी नहीं पता। तो अब जब भी हम लोग मंथ के साथ जब डील करते हैं तो उसके अंदर हम लोग को कुछ इस तरीके से मैन्युअली हम लोग को 1 ऐड करना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन शॉर्ट आप इसको बोल सकते हो इंडेक्स। तो इंडेक्स यहाँ पे 6 है, मतलब आपका मंथ होगा 7। तो खास करके ये डिफरेंस थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस करो तो आपको आदत लग जाएगी। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गेट करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो डेट तो हम लोगों ने बना लिया, अभी हम लोग को अलग से ईयर लेना है। अगर हम लोग को अलग से मंथ चाहिए, डेट चाहिए, आवर चाहिए, मिनट चाहिए, सेकंड चाहिए, मिली सेकंड चाहिए, तो कुछ इस तरीके से अलग अलग फंक्शन अवेलेबल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे जो फंक्शन है वो आप ये जो शॉर्ट मेथड है उसके साथ यूज़ नहीं कर सकते। तो उस केस में कंपलसरी आपको इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, इसलिए ये मेथड आपको हर टाइम यूज़ करना है। तो इसके अंदर आपके डेट का ऑब्जेक्ट स्टोर हो गया, उसके बाद गेट फुल ईयर फंक्शन यूज़ करो, आपको ईयर मिल जाएगा। गेट मंथ जो मैंने अभी बताया, करंट जो मंथ है वो फिलहाल थर्ड चल रहा है थर्ड, लेकिन आपको वो 2 रिटर्न करेगा क्योंकि मंथ स्टार्ट करता है जावास्क्रिप्ट 0 से। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो याद रखना। तो ये जो आउटपुट मैंने लिखा है वो इस एग्जाम्पल को लेके मैंने लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आउटपुट आपको हर बार नहीं मिलेगा, आपका जो भी करंट डेट टाइम होगा, अगर आप ये वीडियो 1 साल बाद देख रहे हो 2023 के अंदर, तो आपको फुल ईयर के अंदर 2023 यहाँ पे आएगा। तो कुछ इस तरीके से सेकंड मिनट आवर आपको गेट करना होगा। तो आप ये सारे फंक्शन यूज़ कर सकते हो, काफ़ी सिंपल है। उसी के साथ अगर हम लोग को डेट के अंदर कुछ चेंजेस करना है तो हम लोग ये जो सेट वाली मेथड है वो यूज़ कर सकते हैं। सेट फुल ईयर यहाँ पे 2030 मैंने लिखा है, तो मेरा जो करंट डेट था वो आप देख सकते हो यहाँ पे 2030 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरीके से आप सेट मान डेट हवर मिनट सेकंड और मिली सेकंड आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप जो आपका जो डेट कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर कुछ इस तरीके से अगर आप स्ट्रिंग पास करोगे तो उसको भी वो कन्वर्ट कर देगा डेट के अंदर। तो वो ऑटोमेटिकली अंदर कैलकुलेट करता है, अगर आपने कुछ गलत वैल्यू पास कर दिया तो वो कन्वर्ट नहीं करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो वैल्यू आप पास करके देख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ न्यू डेट, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा डेट होता है उसके अंदर कोमा कोमा करके कुछ इस तरीके से हम लोग वैल्यू
पास करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास मतलब समझो डेटाबेस से या फिर यूजर ने जो वैल्यू इनपुट किया है वो पूरा स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है, तो उसको अगर आपको डेट के अंदर कन्वर्ट करना होगा तो वो आप कैसे करोगे? तो यहाँ पे फिलहाल मैं 2020 लिखता हूँ स्लैश करके 12, उसके बाद 22, तो आप देख सकते हो कि मैंने डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है। तो एग्जाम्पल के अंदर यहाँ पे डैश है लेकिन मैंने यहाँ पे स्लैश लगाया तो भी वो कन्वर्ट कर ले रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको जहाँ पे भी प्रॉब्लम लगेगा वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ एरर दे देगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे अभी इनवैलिड डेट आ रहा है, क्योंकि ये जो बीच वाला जो पोजिशन होता है वो मंथ का होता है और मंथ तो 1 से लेकर 12 तक ही होता है, तो इसलिए हम लोग 12 से आगे वाली वैल्यू पास नहीं कर सकते, तो उस केस में वो इनवैलिड डेट बताएगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग अलग अलग फॉर्मेट में स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो ईयर है वो पीछे लिखा हुआ है लेकिन मैंने यहाँ पे उसको आगे लिखा है, तो भी हम लोग का डेट ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रॉपरली बन रहा है। तो इसके अंदर आपको कन्फ्यूज़न भी हो रहा होगा और आपको थोड़ा वियर्ड भी लग रहा होगा, लेकिन इसके अंदर वियर्ड कुछ चीज़ है ही नहीं। आपको अभी जावास्क्रिप्ट की आदत लग ही गई होगी, जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ही चीज़ को करने के बहुत सारे तरीके हैं, उसी तरीके से उन लोगों ने इसके अंदर भी किया हुआ है। तो इसके अंदर जैसे चाहो वैसे हम लोग डेट स्ट्रिंग फॉर्मेट में भी हम लोग पास कर सकते हैं, कोमा कोमा करके भी हम लोग पास कर सकते हैं। तो उसको उसके हिसाब से अंदर वो कैलकुलेशन करता है और हम लोग को कुछ इस तरीके से डेट कन्वर्ट करके दे देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टोटल मिली सेकेंड अगर आपको गेट करना होगा तो वो हम लोग कैसे गेट करेंगे। तो जो क्लास है डेट उसकी एक स्टैटिक मेथड है नाउ करके, तो वो रिटर्न करता है कुछ इस तरीके से हम लोग को मिली सेकेंड रिटर्न करता है। तो अभी आपके माइंड में यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा होगा, तो ये जो मिली सेकेंड है ये एग्जैक्टली कहाँ से वो कैलकुलेट करके दे रहा है? तो वो कैलकुलेट करता है 1 जनवरी 1970 UTC time 00 वाला। ठीक फ्रेंड्स, तो अभी आप सोचोगे तो यहाँ से ही वो मिली सेकेंड कैलकुलेट क्यों कर रहा है? तो एक्चुअली जब यूनिक्स डेवलप हुआ था 1969 के अंदर, उसके बाद 1970 के अंदर शायद उन लोगों ने जब रिलीज़ किया होगा तो वहाँ से उन लोगों ने मिली सेकेंड काउंट करना चालू किया। तो उस टाइम उन लोगों ने मिली सेकेंड रखा था 0। अभी तक हमारा अभी चल रहा है 2022, तो अभी कुछ इतने सेकंड अभी हमारे हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब भी हम लोग डेटाबेस में खास करके जब डेट स्टोर करते हैं, जब भी मतलब समझो अभी हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो अभी मैंने ऑर्डर प्लेस किया, अभी 1 तारीख है, 3rd मंथ है, अभी 11 बज के समझो 5 मिनट हो रहा है, तो ये मुझे एग्जैक्ट टाइम डेट स्टोर करना है। तो उसको हम लोग हमेशा स्टोर करते हैं कुछ इस तरीके से मिली सेकंड फॉर्मेट में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो नंबर है ये एक्चुअली हम लोग को काफ़ी इजी होता है जब हम लोग इसको फिर से डेट में कन्वर्ट करते हैं। तो वो कैसे करते हैं वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जैसे न्यू डेट इसके अंदर हम लोग को पास करना है, वो सेम मिली सेकेंड आपको यहाँ पे पास करना है, और टू स्ट्रिंग यहाँ पे हम लोग मैथड यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हो कि 11 बज के जो 27 मिनट है वो प्रॉपरली यहाँ पे हम लोग को मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग हमेशा मिली सेकंड के साथ डील करते हैं, तो उससे मतलब हम लोग को स्टोर करना भी इजी हो जाता है और उसको गेट करना भी इजी हो जाता है, उसको कन्वर्ट करना भी इजी हो जाता है, इसलिए हम लोग हमेशा मिली सेकंड स्टोर करते हैं। तो उस केस में ये जो डेट टाइम डॉट नाउ फंक्शन है ये हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। और अगर आपके पास डेट का ऑब्जेक्ट है तो उस केस में आप गेट टाइम वाला फंक्शन यूज़ कर सकते हो जो भी सेम वैल्यू रिटर्न करता है कुछ इस तरीके से मिली सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर डेट बनाते हैं, उसको गेट करते हैं, और खास करके ये गेट की आपको प्रैक्टिस कर लेना है। तो उसके बाद कुछ इस तरीके से मिली सेकेंड के साथ खेलते हैं। और ये जो डेट है ये एक्चुअली मतलब आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैंने बता दिया तो आपको आइडिया है, और जो मैंने UTC वाला जो मैंने मैप के साथ बताया वो भी शायद आपको हेल्प करेगा, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था मतलब कंपनी के अंदर जब ज्वाइन किया था तो ऐसे डेट की बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी और मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आता था कि UTC 00 क्या होता है, UTC+5 हमारा इंडिया का क्यों है और US का ऐसे माइनस में क्यों है। तो वो मैंने आपको मैप से इजीली एक्सप्लेन किया, तो वो शायद आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपको फिर से देखना है तो आप वीडियो बैक जाके फिर से देख सकते हो। और जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारे फंक्शन अवेलेबल है, तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो जो हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं वही मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये लिंक मैंने ऑलरेडी डाल के रखा है,
जो आपको सिंपल ओपन करना है, तो ब्राउज़र के अंदर कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे गेट मिनट्स, गेट मंथ, ऐसे बहुत सारे फंक्शन और उसके डेमो के साथ आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना है, तो हम लोग जो फ्यूचर में जब भी हम लोग डेट के साथ खेलेंगे तब आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। और खास करके जब आप जावास्क्रिप्ट का इंटरव्यू के अंदर प्रैक्टिकल दोगे, तो उस केस में ये डेट का भी मतलब काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो वहाँ पे भी ये डेट फंक्शन आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड के अंदर इतना ही, और अगर मेरा ट्यूटर आपको कुछ सीखने के लिए हेल्प कर रहा होगा तो ये दूसरों को भी हेल्प करेगा, इसलिए आपके फ्रेंड फैमिली के अंदर जिसको भी कोडिंग में इंटरेस्ट है उनके साथ आपको ये मेरे सारे ट्यूटर जरूर जरूर शेयर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही, थैंक यू।